गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में उबालकर गुलाब जल तैयार किया जाता है। गुलाब जल के कई फायदे हैं। त्वचा की समस्या वाले लोगों के लिए गुलाब जल एक अच्छा उपाय है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी त्वचा में निखार लाने के लिए गुलाब जल को अपने सौंदर्य आहार में शामिल कर सकते हैं। जब लोग बाहर जाते हैं तो त्वचा तैली गंदी हो जाती है, दाग धब्बे और दाने वाली हो जाती है। घर लौटने पर लोग विभिन्न उत्पाद इस्तेमाल करके, लेकिन सभी में रसायन होते हैं, इसलिए गुलाब जल त्वचा को ठंडा और तरोताज़ा करने का एक बेहतरीन विकल्प है। बहुत से लोग काले गहरे और पफिनेस से पीड़ित होते हैं, जिसे वे थके हुए लगते हैं। गुलाब जल की बोतल लें, इसमें कॉटन पैच को भिगोकर हल्के हाथों से अपनी पलकों पर लगाएं। जब तक आप चाहे तब तक अपनी आंखों के आसपास सुखदायक एहसास का आनंद लेते हुए इसे रखें। आप इसे अधिक समय के लिए भी रख सकते हैं। यह काले घेरे पफिनेस से छुटकारा पाने में मदद करेगा और थकी हुई आंखों को तुरंत राहत देगा। महिलाएं रोजाना मेकअप करने के बाद तरह तरह के मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करती है। गुलाब जल एक बेहतरीन प्राकृतिक विकल्प है। 2 चम्मच गुलाब जल में 1 चम्मच नारियल या बादाम का तेल मिलाएं। इस मिश्रण में एक रुई डुबोएं और मेकअप और जमी हुई मैल की परत को मिटा दें। गुलाब जल एक प्राकृतिक सामग्री है, जबकि नारियल और बादाम का तेल बहुत स्वस्थ है। गुलाब जल हमेशा स्प्रे बॉटल में रखें। ऐसा इसलिए है कि जब आप बाहर जाते हैं तेज गर्मी में, तो आप इसे अपने चेहरे पर ठंडा करने के लिए छिड़क सकते हैं। यह मेकअप को सेट करने के लिए भी बेहतरीन है। गुलाब जल को बालों और सिर की त्वचा पर लगाने से डैंड्रफ की समस्या से लड़ने में मदद मिलती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मेथी के दानों को रात भर गुलाब जल में भिगो दे और पीस कर पेस्ट बना ले। इसे सीधे सिर की त्वचा पर लगाया जा सकता है। इसे 1 घंटे तक लगा रहने दे और बाद में शैम्पू कर ले। सप्ताह में 1 बार इस विधि का प्रयोग करें। ऐसा करने से डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। इन तरीकों को जरूर आजमाएं।